आज हम आपके लिए लाए हैं जंगली परवल की सब्ज़ी। दोस्तों ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसको खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि शुगर के लिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है, बीपी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है। और ये सब्ज़ी सभी को खानी चाहिए, खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये जंगली परवल हैं, इसको कटीले परवल भी कहते हैं। आधा किलो परवल मैंने ले लिए हैं और इनको साफ़ कर लेना है। तो हमारे परवल अभी हमको थोड़ा सा गंदे लग रहे हैं, इसमें रेसे रेसे दिखाई दे रहे हैं, बोरी बोरी के रेसे कुछ इसमें लगा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा खुरच लेंगे, लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल भी खुरचिएगा नहीं, इसको धो लेना है और ऊपर से कट कर देना है। नीचे से कट करने के बाद आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी कांटे इसके नहीं खुरचे जाते हैं, सिर्फ आप इसका डंठल के पास ही थोड़ा सा काट देना और इसको बना लेना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा खुरचन भी किया है, खुरच लिया है इसको और धुल के साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद हम इसके पतले पतले पीस बना लेंगे, जिस आकार की आपको पीसेस पसंद हो आप उसी तरह से इनको काट लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप काटेंगे तो ये जल्दी पकेगी, और अगर आप बड़े पीस बनाएंगे तो इसको पकने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारे परवल काट लिए हैं, इसमें से कुछ परवल हमारे पकने वाले भी हैं लेकिन हमने फेंके नहीं हैं, हम सब बना लेंगे। और दो प्याज ले लिए हैं हमने, बड़े प्याज लिए हैं। दो प्याज ले करके हम इसकी लंबी लंबी पीस बनाएंगे, छोटा हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लंबे लंबे पीस जब हम बनाएंगे और ये जब तेल में पकते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये आधा किलो परवल में हमने दो बड़े प्याज ले लिए हैं और लंबा लंबा काट लिया है। काटने के बाद अब हम गैस की तरफ आगे बढ़ेंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, लोहे की कढ़ाई में हम सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दो चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, सरसों का तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और साथ में ही हम 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे और लहसुन हरी मिर्च को हम पकने देंगे। इसी के साथ में हम कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी हम इसमें सब्जी डालेंगे। आप चाहें तो प्याज को सब्जी के साथ भी डाल सकते हैं। आपका अगर मन है कि तेल में पकाकर आप प्याज सब्जी बनाएं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे जैसे बनाएं। दोनों तरह से प्याज तो हमारा पक ही जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्याज लगभग पकने वाला है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए परवल, और परवल डालकर हम इसको चला देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो परवल भी हमारे थोड़े ही हैं, बहुत ज़्यादा परवल नहीं है, बस चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो हमें कढ़ाई को पकड़ के चलाना होगा, नहीं तो ये हमारी कढ़ाई खिसक जाएगी, क्योंकि ये खिसक भी रही है और कढ़ाई छोटी होने के वजह से इसको चलाते नहीं बन रहा। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है लोहे की तो आप बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनाएं। अच्छे से हम इसको चला देंगे और चलाने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले कोई ख़ास मसाले भी इसमें नहीं डाले जाते हैं, नॉर्मल मसाले ही इसमें पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक आप हिसाब से ही डालें क्योंकि ये सब्जी पकने पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, और लाल मिर्ची डालने के बाद हम इसमें 1/2 से कम डाल देंगे गरम मसाला। और ये सारे मसाले डालकर हम इसको अच्छे से चला देंगे। इस सब्ज़ी में हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, पानी इसमें नहीं डाला जाता है। अगर आप पानी डालकर इस सब्ज़ी को पकाएंगे तो ये सब्ज़ी खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगेगी, इसलिए हम बिल्कुल धीमी आँच पर इसको पकाएँगे, प्लेट ढक देंगे। ये सब्ज़ी भाप से पकेगी, जब ये भाप से पकती है सब्जी तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी रहती है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, चला के हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम 10 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और चला देंगे, क्योंकि ये सब्जी हमारी धीरे धीरे आँच पर पकेगी तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप धीमी आँच पर इस सब्जी को पकाएंगे, लगभग इस सब्जी को धीमी आँच पर पकने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 10 मिनट आप इस सब्जी को पकाइए। आखिर में इसमें आपको डालना होगा 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर,
इससे आपकी सब्जी की कड़वाहट दूर हो जाएगी और खाने में भी ये आपको पसंद आएगी। बच्चे भी इसको आसानी से खाएंगे क्योंकि खटाई डालने पर इसकी कड़वाहट बिल्कुल चली जाती है। तो इसको आप नान के साथ खाइए, पराठा के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, कैसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।